डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, जिसमें पढ़ा था क्वासीओर्कर, मैरास्मस। आज हम लोगों को पढ़ने हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, जिसमें हम लोगों को पढ़ने हैं डिफरेंट विटामिन्स, देयर सोर्सेस, फंक्शंस एंड डेफिशिएंसी डिजीज एंड सम सिम्टम्स। नीचे सबके लिस्ट दिए गए हैं, विटामिन्स एंड सोर्सेस, फंक्शंस, डेफिशिएंसी डिजीज, सिम्टम्स। इसके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। विटामिन्स ए एंड सोर्सेस। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है। इसके सोर्सेस हैं लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कैरोट्स, एग योल्क्स एंड फिश। फंक्शंस हैं कीप्स स्किन हेल्दी एंड स्मूथ, स्किन को हेल्दी एंड स्मूथ रखता है। डेफिशिएंसी डिजीज है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस का सिम्टम्स है आइज गेट ड्राइड एंड इम्प्रॉपर विजन, आँख सूखा रहता है एंड धुंधला दिखता है, क्लियर नहीं दिखता है। विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम है थायमिन। सोर्सेस हैं एग्स, होल ग्रेन्स एंड स्प्राउट्स। फंक्शंस हैं एड्स डाइजेशन, मेंटेनेंस नर्वस सिस्टम्स, डाइजेशन को ठीक रखना और नर्वस सिस्टम को मेंटेन करना। डेफिशिएंसी डिजीज हैं बेरी। एंड सिम्टम्स हैं प्रॉब्लम्स ऑफ नर्वस सिस्टम, डाइजेशन एंड हर्ट्स। नर्वस सिस्टम, डाइजेशन एंड हर्ट्स में प्रॉब्लम्स आ जाती है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन साइंटिफिक नेम है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क एंड एग्स। सोर्सेस हैं कीप्स स्किन एंड स्मूथ हेल्दी, कीप्स स्किन एंड माउथ हेल्दी, स्किन एंड माउथ को हेल्दी रखता है। डेफिशिएंसी डिजीज हैं स्किन डिसऑर्डर, स्किन संबंधी समस्या हो जाती है, इरिटेशन ऑफ आइज, स्किन एंड इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, आँख में जलन होने लगती है, स्किन में जलन होने लगती है और आँत संबंधी समस्या हो जाती है, टंग में सूजन और जलन होने लगती है। ये विटामिन B2 के सिम्टम्स हैं। विटामिन B3 नाइसिन साइंटिफिक नेम है मीट, फिश, होल ग्रेन, सीरियल्स, मशरूम्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, पीनट बटर। सोर्सेस हैं फंक्शंस इम्पोर्टेंट फॉर नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन। नर्वस सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के लिए एंड स्किन के लिए B3 इम्पोर्टेंट है। डेफिशिएंसी डिजीज हैं पेलाग्रा। सिम्टम्स हैं अफेक्ट्स स्किन, डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम। स्किन डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। विटामिन B12
कोवेलामिन, इसके साइंटिफिक नेम है मीट फिश एग्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स नॉट फाउंड इन प्लांट फूड्स। मीट फिश एग्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में मिल्क प्रोडक्ट ये सब इसके सोर्सेस हैं। मेक न्यू सेल्स, इम्पॉर्टेंट फॉर नर्व फंक्शन, नए सेल बनाता है और नर्व सिस्टम नर्व फंक्शन को के लिए इम्पॉर्टेंट है। डिफिशियंसी डिजीज एनेमिया सिम्टम्स, रेड ब्लड सेल डिफिशियंसी, रेड ब्लड सेल में कमी आ जाती है। लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी में कमी आ जाती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड लॉस ऑफ अपेटी, सांस लेने में तकलीफ होती है एंड भूख लगना कम हो जाता है। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है साइट्रस। सोर्सेस हैं फ्रूट्स टोमेटोज स्प्राउट्स। फंक्शंस है कीप्स टीथ ज्वाइंट्स एंड गम्स हेल्दी, टीथ ज्वाइंट्स एंड गम्स को हेल्दी रखता है। हेल्प इन रेसिस्टिंग इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन होने में रोकता है। डिफिशियंसी डिजीज हैं स्कर्वी। सिम्टम्स है ब्लीडिंग गम्स, लूजनिंग ऑफ टीथ, स्लो हीलिंग ऑफ वाउंड्स एंड प्रोन टू इन्फेक्शंस। ब्लीडिंग गम्स, गम्स से ब्लड आने लगती है। लूजनिंग ऑफ टीथ, दांतें लूज हो जाती है। स्लो हीलिंग ऑफ वाउंड्स, घाव भरना बहुत स्लो हो जाता है एंड प्रोन टू इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन डी मिल्क बटर फिश एग्स सनलाइट्स। विटामिन डी के सोर्सेस हैं मिल्क बटर फिश एग्स सनलाइट। बोन फॉर्मेशन हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। फंक्शंस है विटामिन डी के बोन्स का फॉर्मेशन करता है। हेल्प आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, टीथ एंड बोन्स के लिए कैल्शियम यूज करने में हेल्प करता है। डिफिशियंसी डिजीज हैं रिकेट्स। वीक एंड डिफॉर्म्ड बोन्स, बो लेग्स, पिजन चेस्ट, सॉफ्टनिंग ऑफ रिब्स, प्रोट्रूडिंग रिब्स, बोन्स का डिफॉर्म्ड हो जाता है और कमज़ोर हो जाता है। मीन्स वो बो लेग्स, जैसे यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं धनुष टाइप के लेग हो जाते हैं। पिजन चेस्ट, पिजन के जैसा चेस्ट हो जाता है। सॉफ्टनिंग ऑफ रिब्स, रिब्स सॉफ्ट हो जाता है। प्रोट्रीडिंग रिब्स, रिब्स भी प्रोट्रीड हो जाता है। विटामिन के डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स इसके सोर्सेस हैं। हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग करने का, ब्लड को थक्का करने का, मतलब ब्लड को जमने में हेल्प करता है। एक्सेसिव ब्लीडिंग डिफिशियंसी डिजीज है। एक्सेसिव ब्लीडिंग, ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होने लगती है। डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड,
ब्लड को थक्का बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेट होती है। इसके सिम्टम्स हैं, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, रिकेट्स में कैसे धनुष के टाइप का लेग हो जाता है। स्कर्वी में दांत में इन्फेक्शन्स हो जाते हैं। बेरी बेरी हाथ में सूजन हो जाता है। गोइटर गले में फूल जाता है। गोइटर के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।